उस समय तो मुझे ऐसा लग रहा था पूरी ब्रह्मांड की शक्ति बिल्कुल चकाचक हो रही है, पर वाकई जो मेरी समझ में आया अभी तक, न यहाँ पर कोई चंदा है, न चढ़ावा है, न कदम्बर है, न अंधविश्वास है, ये सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक के पास ही ऐसा होता है। आप मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, सब जगह दान पत्र मुझे मिलेगा। मैं बाकी ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहूंगा, उसके बाद में क्या होता प्यारे सत्संग की सत्यता को प्रपोज करना भी ठीक नहीं होता। मगर सत्यता की अहमियत है, सत्यता का दीदार किया है, वास्तविकता जो हमें है, तो हो सकता है कि नींद का वायदा हो जाए, खाने के कारण हकीकत को उजागर किया जा सकता है। भाई सत्संग जी का बिगड़ने वाले सबसे आपको आपको कोई खरीद कर सकता नहीं। दुनिया की कोई भी ताकत इस सैनिक को नहीं कर सकती। क्यों? मैं देश का सिपाही था, आज परमपिता परमेश्वर नारायण साकार हरि का सिपाही हूं। ये दुनिया की कोई सैनिक नहीं कर सकती। मुझे कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता नारायण साकार हरि। सशक्तता के आधार पर सैनिक अनुभव को शेयर करने का कष्ट करें। सत्संग जी समय के तौर पर मेरा तड़का एक ही बेटा था, उस समय बहुत छोटा था। शुरुआत की बात है, उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी, 8 साल का बच्चा था, सन विवेकानंद स्कूल पढ़ा करता था। हरि की रहमत कैसी कैसी हम पर हुई है वो मैं आपको एक एक ब्याह करूंगा। मैं आवागमन में सबका साथ चल रहा था, मैं वहां का बहुत परेशान था, एक ही बेटा हो और आंखों की रोशनी चली जाए तो आप खुश हैं, समझ सकते सभी महापुरुष क्या भी तय होगी दिल पर महापुरुष पर। प्यारी दाई सा संगत, महापुरुष की नहीं गिनती, वो भीतरी रूप पिता के ऊपर पिता पर बीतती है। महापुरुष सत्य का साथ करते करते इतना मजबूत होता है, उसे कोई मर जाए तो कोई बांधकर नहीं पड़ता, पिता का बल पड़ता है, भाई भी माता को मैंने प्लान बनाया कि जिंदगी जी के करूंगा क्या। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जिंदगी जी के करूंगा क्या। मैं सभागार में प्रभु जी सबका साथ चल रहा था, मैं वहाँ के बच्चे अपने बेटे को लेकर जाते हैं सबके साथ सभागार जनपद एकता पूरी बात का बताओ। सभागार में जनपद एकता में आए चल रहा था, पिता मंगलवार था, मैं अपने तन के बेटे को, अपनी माँ को, अपने पिताजी को और अपने तन की पत्नी को लेकर गया हुआ था। मैं तो सबके साथ करता ही था, माता पिता सभी सगे संबंधी भी हमारे लगभग सबके नाम में आते जाते हैं। मैं वहाँ गया, मैं सोच रहा था कि जिंदगी जी के करेंगे क्या। देखिए प्रभु जी मुझे वहीं से फाड़ लिया, मैं पीछे बैठा हुआ था। जिंदगी जी के करेंगे क्या, हम तो जाएंगे यहाँ से, अगर नहीं कुछ होता तो अपने आप को सुसाइड करेंगे, अपनी दुनिया खत्म करेंगे, इसके अलावा एक बात कुछ है। इतना मैं अंदर से महसूस हो रहा था क्या करूँगा क्या, लेकिन नारायण साकार हरि की बाड़ी आती है, कैसे प्रभु जी को लेकर प्रभु जी को लिया के कुछ दिनों की यहाँ जरूरत नहीं है, कुछ दिन मत बनो, हौसला रखो, हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्यारी दाई सत्संग जी मुझे एकदम वही शरीर में करंट सा लगा है, आपका तो गलती कर रहा हूँ, ये ऐसा महसूस था कि मैं गलती करने जा रहा हूँ। गलती नहीं, ये कहो सुसाइड करके आप सेम के लिए पाप कमाने जा रहे हैं, सुसाइड करना ठीक नहीं होता। जीवन में हमारे हमारे कर्मों का आधार है, सम विषम तमाम प्रकार की परिस्थिति आती है और उनका मुकाबला करना पड़ता है। मुकाबला करेंगे अगर हम सच्चाई पर हैं तो सामने सत्य ही दिखाई देगा, असत्य झूठ वहां दिखाई नहीं देगा। सत्संग जी मैं वहां से आने के बाद पूरी रात जगता रहा, सोच रहा, जगता रहा, सोच रहा। सुबह के 4 बजे परम
कर आए, हमारे गेट के सारे दरवाजे खुल गए, मैं बेड पर सामने लेटा था, इतनी तेज लाइट हमारे मकान में हो गई कि इतनी तेज लाइट हो गई और प्रभु जी खट से गेट के अंदर आए। मैं सीधा जब आया था सीधा आता प्रभु जी के चरणों में लंबा होकर पड़ गया। जब मैं खड़ा होता हूँ तो देखता हूँ कहीं उसके बाद क्या है शास्त्र जी क्या होता है, जब बच्चे का 8 बजे स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, कभी घूमते फिरते कहीं ना कहीं से पहुंच जाए चश्मा कर लगा हम चश्मा ले आऊँ आपको, जबकि मैंने अपने हाथों से दूसरा किसी बात में नहीं बनता अपने हाथों से चश्मा साफ करके शाम को जो चश्मे का कवर होता कवर भी मैंने रख दिया था। वो चश्मा में जब कुछ लेने जाता हूँ क्या शास्त्र जी दाहिनी तरफ का शीशा टूटा हुआ और चश्मे का होता है और बच्चा कहता पापा नहीं मुझे ठीक दिख रहा है, नहीं यार लगा दे ये भी लगा के जाता था, नहीं पापा ठीक दिख रहा हूँ तो पेपर पढ़ा उसका पेपर पढ़ा। ये परमात्मा नारायण सकारि की इतनी बड़ी रहमत हुई है हम पर। और क्या शास्त्र जी 2018 में सबके जब साथ चल रहा था इटावा में तो निवास ग्राउंड की मेरा घर लगभग 1 किलोमीटर था, चौबीस घंटे में वहीं सेवा में रहना लाख होता था, केवल नहाने के लिए और कपड़े धोने में बदलने के लिए घर पहुंचता था। घर से तैयार होने में निकला ही था लगभग 500 मीटर, एक ऑटो जिसमें 8-10 सवारी भरी हुई, मैं भी झूठ नहीं कहूँगा जल्दी में था क्योंकि झूठ बोलना मेरे जहन में नहीं है, मैं भी जल्दी में था और ऑटो वाला भी जल्दी में था। ऑटो वाले ने मुझे पीछे से ऐसी ठोकर मारी कि सारा ऑटो सारी सवारी मेरे ऊपर, मैं ऑटो के पीछे एक प्यारी शासन है जी हमारे यही परमपिता नारायण साकार हरि जी माँ पातेश्वरी ने हमें ऐसे पकड़ के उठाया और मैं बीता बच्चा कहीं मुझे जरा सा स्क्रैच नहीं आया प्यारी जाए नौकी नौ सवारी खून बच्चा लोकल के वहाँ पर फौजी बन गए फौजी बन गए फौजी बन गए लोग आगे कुछ सैकड़ों की भीड़ हो गई। जब मैं उधर नीचे निकला हाथ नीचे से लोगों ने निकाला और निकाला तो मेरी नारायण साकार हरि थी लेकिन उस ऑटो को हटाया तो देखने पर मेरे कहीं कोई चोट नहीं कहीं कुछ नहीं, किसी का सर फट गया किसी के खोपड़े फट गए फटाफट वो जहाँ भी भेजा गया अस्पताल भेजा गया। प्यारी दाई सत्संगत जी अब ये जीवन नारायण साकार हरि का दिया हुआ है, इसके अलावा संसार में पूरे ब्रह्मांड में मुझे नारायण साकार हरि के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता है। प्यारी दाई सत्संगत जी अब बचा हुआ जो मेरे समय है प्रभु से मेरे भी जानता हूँ याद नहीं आती है 24 घंटे में मैं उम्मीद करता हूँ जब तक जानता हूँ घंटे दो घंटे में बिजनेस भी करता हूँ उसके बावजूद भी प्रभु को याद करता हूँ, सोते सोते भी याद करता हूँ, जगते जगते भी प्रभु का मां मंत्र याद करके सोता हूँ, जगता हूँ तो प्रभु को याद करता हूँ। अब बचा हुआ जीवन है मैं यही चाहता हूँ हरि चरणों में सेवा कर मिलता रहे प्रभु का ब्रह्मवाणी मिलते रहे दर्शन मिलते रहे इसके सेवा अब इस मन में कोई जरूरत नहीं होती है। शास्त्र जी बहुत कुछ प्रभु दे रहे हैं बहुत दिया है, जिस दिन में शुरुआत का दौर मुझे खुद ध्यान है मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी एक मोटरसाइकिल आज प्रभु की रहमत से मेरे पास चार चार फोर व्हीलर बड़ी गाड़ियाँ टाटा सफारी भी है स्कॉर्पियो भी है नई नई गाड़ियाँ ये प्रभु की रहमत से मेरे पास हुई मेरी औकात नहीं थी। एक फौजियान की क्या कर सकता आप सभी जानते हैं केवल अपने बच्चों को सही तरीके से पढ़ा सकता है बहुत मानो पुलिस वाला बोल रहा है कोई जॉब सभी लोग जानते हैं। आज प्रभु की रहमत से ऐसी रहमत प्रभु की बनती है कि जब भी जहाँ भी रोजगार करता हूँ खुले दिल करता हूँ पीछे को छोड़ के देखता हूँ मैं प्रॉपर्टी डीलर का भी काम कर रहा हूँ मेरी बिल्डिंग मैटर की दुकान भी है लेकिन जब मैं कार्य करता हूँ धुआं धार भर लेते हैं प्रभु की रहमत है मेरी कोई अपना अपने छोटे से तुच्छ सेवादार हैं जहाँ भी जो भी सेवा मिलती है या जीवन में मिलेगी जी जान लगा करते तत्पर सैनिकों के सेवा करता हूँ और अपने परमात्मा नारायण साकार हरि पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। जय जय सत्संग जी मैं जयपुर से नारायण साकार हरि के अपनी आंखों से देखा
हेलीकॉप्टर होता है उसके पहिए नहीं लगते जमीन में, इस तरह से बहुत ही गाड़ी चल रही है। सामने से एक बस आती है, आपको देखा बता रहा हूँ, ऐसा नहीं किसी का सुना हुआ, सुना हुआ मैं बोल ही नहीं सकता, आपको जो देखता हूँ बोलता हूँ। प्रभु जी की गाड़ी के सामने एक बस आती है, मुझे तो ऐसा लगा कि बस वाले ने प्रभु जी की गाड़ी ठोक दी। लेकिन होता क्या है,